हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ये हमारा फेसबुक पेज है, अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप फॉलो करें। बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के मन में जो मुझे बच्चों ने यहाँ मैसेज करके पूछा है। अगर आपके भी मन में कोई डाउट है आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये है लेक्चर वन अकाउंट्स पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज द साइकिल एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सिंपलर टर्म्स में हर एक चीज़ समझा सकूं, लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं और समझना चाहते हैं अकाउंट्स को प्रॉपरली, तो प्लीज़ जो जो मैं समझा रहा हूं उसके नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली और उसको रेगुलरली रिवाइज करिएगा। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि हमने हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू J&K को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा मेन फोकस है अकाउंट्स की सेक्शन पर और मैं कोशिश करूंगा 13 से 15 वीडियोस में पूरी अकाउंट्स की सेक्शन कंप्लीट कर सकूं आपके लिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इस वीडियो को एक तो लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है कि हम लोग अकाउंट्स को पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है बेसिकली। देखिए, सबसे पहले एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है तो ही मस्ट बी अवेयर अबाउट हिज प्रॉफिट्स एंड लॉस। एंड सिंस हम जानते हैं कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं तो प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप अपने प्रॉफिट्स एंड लॉस को याद रख सकें। तो यहीं पर रोल प्ले करता है अकाउंट्स हमारी लाइफ में, और ये कोई 21st century की चीज़ नहीं है बनाई हुई, बहुत लंबे समय तक अकाउंट्स चलता आ रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ मेथड्स इन्वॉल्व हो गए हैं जिस वजह से ये और भी एक्यूरेट हो चुका है। अकाउंटिंग को अगर हम सिंपलर टर्म्स में समझें तो अकाउंटिंग बेसिकली तीन चीज़ों से बना हुआ एक प्रोसेस है, दैट इज रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ से भी आपसे एक MCQ पूछा जा सकता है, इन द सेंस लाइक आपको रिकॉर्डिंग और मेजरिंग दे दिया गया होगा और आपको थर्ड एलिमेंट पूछा होगा। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये दी गई है बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, दैट इज AICPA। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिपिक्शन ऑफ फाइनल पोजिशन, और लास्ट पॉइंट है टू मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। बेसिकली होता क्या है, कोई भी देश है, अगर देश की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च को ख़त्म, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, पूरा एक साल होता है फाइनेंशियल ईयर। एक साल जब कंप्लीट हो जाता है तो बैलेंस शीट आती है जिसमें बताया जाता है देश ने क्या किया। ठीक है, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो पहला पॉइंट जो होता है बैलेंस शीट तैयार करने का, कि हम रिकॉर्ड्स डालते हैं उसमें, ठीक है, ट्रांजेक्शन डालते हैं, बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है। सेकंड आती है हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा क्या हमने कहाँ पे मुनाफा पाया है, कहाँ पे हमें घाटा हुआ है। थर्ड होते हैं कि डिपिक करते हैं फाइनल पोजीशन, यानी कि अच्छा अब हमें पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इन दी एंड क्या किया, मतलब आगे बढ़ रही है या वो पीछे ही जाती जा रही है। लास्ट होती है टू मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स, यानी कि देखिए अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं ना तो आपके एम्प्लॉयज़ भी आपसे पूछेंगे यार कि मेरी कंपनी कहाँ जा रही है, क्या मेरा फ्यूचर इस कंपनी में अच्छा है, क्या इस कंपनी का नाम अच्छा हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम देश की बात करें तो देश में भी जो एंड में फाइनेंस बैलेंस शीट तैयार होती है वो पूरे लोगों को बताई जाती है कि हाँ देश ने कितनी प्रगति की। तो आप यहाँ देख रहे हैं अकाउंट्स की जो बेसिकली जो ज़रूरत है वो बड़े से बड़े देश से और देश के छोटे से छोटे नागरिक तक है। तो ये है अकाउंट्स के बेसिक यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली हमने तीन अकाउंटिंग याद रखनी है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तीन है हमारे पास, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बेसिक फाउंडेशन है अकाउंटिंग की। जब तक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तब तक कॉस्ट और मैनेजमेंट पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है आपके लिए। बेसिकली जो अकाउंट्स पूरा सिलेबस है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अगर मैं बीच में कोई भी एक टॉपिक आपको उठा के पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैं शुरू से आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ। आप ये सारी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको प्रॉपरली अकाउंट समझ आ जाएगा। ठीक है, जब तक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है
तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग। अब हमने समझना है रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो बेसिकली जब भी कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, वो अपने लेबर पे पैसे खर्च रही है या कोई चीज़ खरीदने में खर्च रही है, उसके रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और ये जो प्रोसीजर होता है इसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। रिकॉर्डिंग के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखा जाता है, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है एक नेसेसरी अकाउंट में, ठीक है, प्रॉपरली मतलब उसको जनरल एंटिटीज लेजर वगैरह एंटिटीज में उसे कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड होती है अप्रेजिंग। अप्रेजिंग में क्या होता है कि इसको एक्सेसिबल बनाया जाता है। एक्सेसिबल यानी कि कंपनी के इम्प्लॉयज, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, सब उसको समझ सकें, एक्सेसिबल बनाया जाता है एक आम आदमी के लिए। सेकेंड जो अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं और कंट्रोल मेजर देखते हैं। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे अकाउंटिंग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि एक यूनिट का प्राइस डिसाइड होता है, एक यूनिट, फॉर एग्जांपल एक यूनिट अगर 10 रुपये का पड़ गया तो बल्क में हम कैसे कंट्रोल करेंगे उसके प्राइस को, इन चीज़ों पर बातें होती हैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग में। बेसिक फंडामेंटल इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पर जो काम होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। थर्ड एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना है वो है डिसीजन मेकिंग। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल था मैन्युफैक्चरिंग लेवल, वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेसिक फंडामेंटल याद रखना है हमने डिसीजन मेकिंग। देखिए कोई भी कंपनी हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, डिसीजन कौन लेता है, जो मैनेजमेंट में होते हैं लोग वही डिसीजन लेते हैं। तो मैनेजमेंट लेवल पे क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग का काम हो गया। इसमें देखा जाता है कि कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट्स कैसे कमाए और अपने लॉसेस को मिनिमम कैसे करे, कहाँ कहाँ खर्चा कंपनी का बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहाँ कहाँ बेफालतू खर्चा हो रहा है, ठीक है, उसको कम किया जाए और प्रॉफिट्स बढ़ाए जाए। ये बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे साइकिल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस पढ़ने में हमें 5 स्टेप्स को पहले समझना होगा, ठीक है। स्टेप 1 है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, स्टेप 2 है जनरल एंट्रीज, स्टेप 3 है लेजर एंट्रीज, स्टेप 4 है ट्रायल बैलेंस और स्टेप 5th है फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली जो अकाउंट्स का, अगर मैं आपको सिंपलर देसी भाषा में, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, आपको समझाऊं मैं कि अकाउंट्स है क्या, तो अकाउंट्स की जो 5 स्टेप्स हैं इसी का एक सिलेबस है, ठीक है। आप आगे पढ़ेंगे, जो मेरी आगे वीडियोज आएंगे, आप समझेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं, लेजर एंट्रीज कैसे डालते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे डालते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी एक स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस के पास, वो कैसे देखना है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स का मतलब हो गया बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। अगर मैं आपको सिंपलर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी मंथ में के एंड में आप ट्रायल बैलेंस दे सकते हैं, लेकिन जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो पूरे एक साल के बाद, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के बाद ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक वीडियो में समझ नहीं आएंगी, ये एक पूरा सिलेबस है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तो आप पूरा आराम से समझ लेंगे, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो से इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आई होप आपने सारे नोट्स बनाए हों, प्रॉपरली लिखा हो। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।